A wonderful morning, 8th class students. I hope you all have done your previous work, chapter 1, 2, 3. Now we start chapter number 4. We start from basic of chapter number 4. We tell about quadrilateral. Quadrilateral, which has four sides. They have many type of figures. Suppose they give you that type of figure. If they give you that type of figure, that is also quadrilateral. If they give you that type of figure, 1, 2, 3, 4, if they give you that type of figure, that is also a quadrilateral. 1, 2, 3, 4, also quadrilateral. Students, now, in the quadrilateral, there are four sides, 1, 2, 3, 4. Four vertices, 1, 2, 3, 4, and four angles, these. After that, adjacent side is this, AB, BC, CD, AD, BC, DC, DA, A, B. I hope you understand. Here I mention A, B, B, C, B, C, C, D. Means to say, जिनका ये जो एक vertex है, वो आपका common आए, दो में. तो यहाँ देखो, यहाँ क्या common आ रहा है? हमारा B आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? हमारा C common आ रहा है. Adjacent angle. Angle कौन से adjacent होंगे? जो हमारा angle A है, वो adjacent है angle B की. Angle A is adjacent to angle B. Angle B is adjacent to angle C. इस तरह से opposite side. A B के बिल्कुल सामने कौन सी side है? A B के बिल्कुल ठीक सामने है D C. और B C के just सामने है हमारी A D. These are opposite sides. Opposite angles A के ठीक opposite में क्या है? C. Angle A opposite to angle C. Now angle B is opposite to angle D. Diagonals are opposites. So B, D and A, C. These are the diagonals. After that, now I tell about interior, exterior and owner line. Interior. इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ कोई भी पार्ट इंटीरियर पार्ट कहलाएगा. इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर बना हुआ कोई भी जो पार्ट है वो आपका एक्सटीरियर कहलाएगा. और इस लाइनों के ऊपर बनने वाले कोई भी जो वो है पॉइंट्स हैं वो आपके ओनर लाइन ओनर बाउंड्री कहलाएंगे. यस. आफ्टर दैट कनकेव क्वाड्रिलेटरल. व्हिच आर द कनकेव क्वाड्रिलेटरल? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन एंगल इज मोर देन 180, जिसका एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा हो, इज नोन एज कनकेव क्वाड्रिलेटरल. आफ्टर दैट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर इंटीरियर एंगल्स मेजर लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज कन्वेक्स. जिनके सभी के सभी एंगल्स 180 डिग्री से कम हो कन्वेक्स पॉलीगन कहलाते हैं. नाउ we start the exercise. In the exercise, your first question is fill in the blanks. A quadrilateral has how many sides? I understood you now. Four sides. A quadrilateral has how many angles? Four. A quadrilateral has how many vertices? Four. And no three of which are, अगर no three which are क्या होंगे? Collinear. वो सभी के सभी किससे होंगे? को लीनियर एक लाइन के ऊपर. ए क्वाड्रिलेटरल हैज टू डायगोनल्स. ए डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट टू ऑपोजिट वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, जो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? आपका 360. अभी जो मैंने बेसिक पॉइंट समझाए हैं उनकी हेल्प से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है. उसमें देखो क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 2 में नेम अ पेयर ऑफ एडजेंस्ट साइड. आपको एक
क्वाड्रिलेटरल की फिगर बना के दे रखी है, और अभी मैंने जैसे आपको अंडरस्टूड करवाया था सेम उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर टू करना है. नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन, द थ्री एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 110, 95 डिग्री एंड 65 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल. देखो स्टूडेंट्स, हमें जब भी फोर्थ एंगल फाइंड करना होता है, इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम पहले बाकी के थ्री एंगल लेते हैं. तो बाकी लेट फोर्थ एंगल को हमने क्या कर लिया, यस लेट फोर्थ एंगल एक्स, हमने फोर्थ एंगल को एक्स लेट कर दिया है. तो उसके बाद जो हमारे अलग एंगल है वो कौन से हैं, 110 प्लस 95 डिग्री प्लस 65 एंड फोर्थ एंगल इज एक्स इज इक्वल टू 360. यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सबको पता है जो हमारे क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री. नाउ वी एड ऑल दीज नंबर्स, व्हेन वी एड दीज नंबर वी गॉट 5, 5, 10, 9, 6, 15 and 1, 16 एंड वन कैरी 17 एंड 112, 270 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 360. एक्स वैल्यू व्हेन वी टेक दिस 270 इक्वल टू दैट साइड दैट कन्वर्ट इनटू इन द नेगेटिव पोजीशन. सो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 270 इज 0 एंड 16 माइनस 7 इज 9. सो 90 डिग्री इज स्टूडेंट्स योर फोर्थ एंगल. यू कैन लिव हेयर एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, अदरवाइज यू कैन राइट फोर्थ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ नेक्स्ट, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो. इन द नेक्स्ट पार्ट दे गिव यू द रेशियो बिटवीन द एंगल्स. सो लेट द एंगल x ratio, what they give you ratio, 2 ratio 3 ratio 5 ratio 8. now we can write according to question we find the all angles. so all angles find करने के लिए हम इन ratios को इन angles में convert कर लेते हैं. 2x plus 3x plus 5x plus 8x that is equal to 360. इतना लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. 2 and 3, 5, 5, 10 and 1, 18. सो 18x इज इक्वल टू 360. हेयर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 360, 18 हेयर इन मल्टीप्लाई फॉर्म व्हेन वी टेक दैट साइड दैट इज इन डिवीजन फॉर्म. सो 18 वन जा 18 टू जा, x वैल्यू इज 20 डिग्री. नाउ एंगल, फर्स्ट एंगल व्हाट इज 2x, प्लेस ऑफ x वी अप्लाई दिस वैल्यू दैट इज 40 डिग्री. Then 3x, then 5x and then 8x. You find all the values with yourself. Yes. In the fifth question, a quadrilateral has three acute angle. A quadrilateral में three acute angles हैं, each measuring 85. Three angles जो हैं वो 85 degree के हैं, और जो हमारा fourth angle है वो हमें क्या करना है, find करना है जो हमारा fourth angle है. So acute angles, how many degrees, 85. तो according to question हम कैसे करेंगे, अब हमारे पास ये three angles थे ना, 85 plus 85 plus 85, let fourth क्या let कर लिया x is equal to 360. Angle sum property of quadrilateral. When we add these number, 5, 5, 10 and 5, 15. 8, 3, 24 and 1, 25. Plus x is equal to 360. So value of x is 360. When we take this value to that side, that is converting in minus form. And when we minus this, we got 0 minus 5, 0, 5 minus 5, 0 and then 105 degree. So we got the value of x is equal to 105 degree. Students, I hope you all understand these sum. So you can do these sum in your fair notebook of math with a neat and clean handwriting. And students, please purchase your books quickly
because book should be compulsory for everyone. Thank you, students, and have a nice day. Stay home, stay safe.